हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद सीमा। आज के इस वीडियो में हम गोभी 65 बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है, और अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो सुपर क्रिस्पी गोभी 65 बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। परफेक्ट गोभी 65 बनाने के लिए मैंने एक छोटी सी गोभी लेकर और उसे इस तरह के मीडियम साइज के टुकड़ों में काट कर तैयार किया है। तो इस रेसिपी के लिए साइज काफी मैटर करता है, इसलिए ज्यादा बड़े या ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं करें, मीडियम साइज के गोभी के टुकड़े ही रखें। और अब यहाँ मैंने पानी उबलने रखा है, तो इसमें इस तैयार गोभी के टुकड़े को हम 2 से 2.5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। इससे एक तो गोभी हमारी साफ हो जाती है और दूसरी ये हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाती है। 2.5 मिनट बाद गोभी हमारी रेडी लग रही है, तो इसे हम निकाल कर और इसे इसी तरह से छलनी पर हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसे किसी बड़े प्लेट पर फैलाकर भी ड्राई कर सकते हैं। जब तक गोभी हमारी ड्राई होती है, तब तक हम इसे कोट करने के लिए एक मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए एक प्लेट में मैंने 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा नमक और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमने जो गोभी ब्लांच करके तैयार किया था उसे इस मिक्सचर से अच्छी तरह से कोट कर देंगे। एक तो इससे गोभी के ऊपर बैटर बहुत अच्छी तरह से आता है और दूसरा गोभी में बहुत अच्छा फ्लेवर भी ऐड हो जाता है। अब फिर से मैंने बोल लिया है और इसमें 3 बड़े चम्मच मैदा और 3 बड़े चम्मच ही कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अगर आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर की जगह चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ मैं किसी भी तरह के कलर का यूज नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसके साथ ही 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और इसके साथ ही 1/4 छोटी चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो ध्यान रखें, अगर आप बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा का यूज करते हैं तो उसकी क्वांटिटी आप बेकिंग पाउडर से आधी कर दें। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। इसी समय इसमें फ्लेवर के लिए 6 से 7 करी पत्ते को बारीक चॉप करके डाल देंगे। और फिर से मैंने 1 चम्मच पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी सही कर ली है। तो अब यह बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने ये गोभी जो तैयार किया था उसे इसमें डालकर और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करते समय ध्यान रखना है कि तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोभी को बैटर में अच्छी तरह से कोट करते हुए हमें कढ़ाई में डालते जाना है। एक साथ उतने ही डालें जितने की अच्छी तरह से कढ़ाई में आए। और थोड़ी देर बाद इस तरह से इसे पलट देंगे। और इसे इसी तरह से हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो लगभग 6 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं इस पर बहुत ही अच्छा नाइस कलर आ गया है और देखने से ही ये सुपर क्रिस्प लग रहे हैं। तो अब इसे हम एक पेपर टॉवल पे बाहर निकाल लेंगे। तो बने हैं ना बिल्कुल परफेक्ट और सुपर क्रिस्प गोभी 65। और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो ये बैच भी बहुत ही ज्यादा क्रिस्प बनके तैयार हुआ है।
और अब यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च और 12 से 15 करी पत्ते लिए हैं, तो इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और इसे हम फ्राई करके गोभी 65 के ऊपर डाल देंगे। तो आ गया ना बिल्कुल रेस्टोरेंट या स्ट्रीट वाला लुक। और अब गर्मा गर्म इस गोभी 65 को आप शाम की चाय के साथ सर्व करें, या फिर इसे एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। तो आई होप आज की यह बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट गोभी 65 की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें। मिलती हूँ बहुत ही जल्द इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।